बिलासपुर जिले के नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री ठाकुर रामलाल ने स्वारघाट स्थित रिटर्निंग ऑफिसर चेत सिंह को अपना नामांकन सौंपा। नामांकन प्रक्रिया से पूर्व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक विशाल रैली निकाल रामलाल ठाकुर का स्वागत किया। वहीं नामांकन भरने के बाद रामलाल ठाकुर ने विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान द्वारा उन पर भरोसा जताने को लेकर पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री विभूति सिंह व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया। वहीं रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नैनादेवी हल्के में कई विकास कार्य करवाए गए हैं, जिसको लेकर वह जनता के बीच जाएंगे और उनको पूरा भरोसा है कि इस बार जनता विकास कार्यों पर अपनी मोहर लगाएगी। हमारे को आदेश हुआ कांग्रेस पार्टी की ओर से और आज हमने नॉमिनेशन पेपर फाइलिंग किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और प्रदेश के हमारे कांग्रेस के प्रधान कि उन सब ने मुझे जो है पार्टी का जो है वो कैंडिडेट बनाने के लिए सहमति जताई और अभी जो चुनाव होंगे वो तो प्रदेश में माननीय वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। चौमुखी विकास प्रदेश के अंदर किया है इन 5 सालों के अंदर, उसको आधार मान के जो है हम लोगों के दरवाजे पे जाएंगे। इन 5 सालों के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, पीने के पानी की जहाँ पे कमी थी उसको पूरा करने के लिए और हमारे जो शिक्षा संस्थान खुले हैं उनके आधार पे जो है वो लोगों के पास हम जाएंगे। हमारे यहाँ पे सब डिवीजन खुला है और वो भी मैं कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हुआ है। हमारे यहाँ पे 2 IITIs हैं, उनमें भी मैं कहूँगा कि नैना देवी में और स्वारघाट में जो है वो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।